सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अंदर ब्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। वैसे मिनी ब्लॉग में हम मिलते रहते हैं, इसकी हरकतें अभी भी नहीं बदली हैं। और फिलहाल हम आ गए थे घर पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने मिनी ब्लॉग देखा होगा, हम घर पे आ गए थे। और भाई, ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता आजकल। आज फाइनली मैंने सोचा है बहुत दिन हो गए, तो आज एक ब्लॉग बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर टाइम मिला तो ब्लॉग बनाएंगे। बट आप ऐसी सपोर्ट करते रहिए हमें, और इसको देखो बार बार मच्छर की तरह चारों ओर घूमते रहती है। फिलहाल अभी शाम का समय है और हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी देखने की, वहाँ पे क्रिसमस कैसे मनाया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, मतलब हमारे उत्तराखंड में क्या क्रिसमस मनाया जाता है नहीं मनाया जाता है, वो सब चेक करने के लिए जा रहे हैं। और संता को छोड़ के सेंटा को छोड़ के ये नहीं आ रही है, हम लोग जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं भी आपको दिखाता गाइस हूँ। हमारे साथ देखिए कौन है, हमारे हेलो मामा का गाइस, लड़का। ठीक है, आज हम मिल रहे हैं काफ़ी सालों के बाद, तो इसीलिए हम लोग जा रहे बारह हैं, साल बाद 12 साल के बाद मिल रहे हैं हम। और इसलिए हम जा रहे हैं आज चेक करने की हल्द्वानी में क्या कुछ चल रहा है। और मम्मी नहीं आ रही हमारी, ये देखो मम्मी नहीं आ रही है, ये है मेरी बुआ। ये देखो। तो ये लोग, मतलब मम्मी नहीं आ रही है क्योंकि शाम का समय है, मम्मी कह रही है कि तुम लोग जाओ घूम के आओ। हम इसको ले जाते बट इसको हम इसलिए नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि अभी रात हो रही है, इसको भी सुबह स्कूल जाना है, ये थोड़ा नाराज़ है। बट कोई नहीं, हम इसके लिए कुछ ले आएंगे चीजी। चल बाय मनु। Few moments later. So guys, finally हमारी गैंग आ गई है। ये हमारे राहुल भाई, और पीछे आपको पता है हमेशा की तरह छुपने वाले हमारे मोहित भाई, जिनको जिनको बाहर निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो फाइनली मोहित भाई भी आ गए हैं, देख लो आप मोहित भाई को भी। ये देखो, इन लोगों को भी काफी दिनों के बाद आप लोग देख रहे होंगे, मेरे को भी तो देख ही रहे हो। चलो मिलते हैं थोड़े भाई। इसीलिए देखो हम लोग हल्द्वानी नहीं आते हैं। ये देखो, हमें आते आते होगी रात, देखो भाई 6:10 हो गया और हम घर से निकले थे 4:30 के आसपास, और अभी तक भाई हम हल्द्वानी नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि जाम इतना लगा है, देखो मतलब ऐसे गाड़ी रेंग रेंग के लेके आ रहे हो। इसीलिए हम लोग हल्द्वानी भाई आजकल अब कम आते हैं। देखो बहुत भीड़ है भाई यहाँ, आगे एक ट्रक वाला उधर देखो आप मोड़ रहा है, और वो पता नहीं कब तक मोड़ पाएगा, पता नहीं आज मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा उसका ये भी पता नहीं मेरे को। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम हल्द्वानी। आ गए वॉकवे में, गाड़ी हमने पीछे लगा दी है। इन लोगों के चेहरे पर देखो थकान, कि 7 बज गए भाई, 2 घंटे ज़्यादा लग रहे थे अल्मोड़ा जा रहे थे लेकिन हम यहीं पहुँचे, अभी लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, आने वाली है, देखते कब तक। यहाँ पे देखो राहुल भाई कुछ खरीदने वाले हैं अपने लिए। राहुल भाई ने पूरे मॉल का चक्कर मार दिया है, लेकिन राहुल भाई को कुछ पसंद नहीं आ रहा है। तो भाई वहाँ इतना घूमने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला, और फिर यहाँ देखो क्रिसमस का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, इसीलिए हम यहाँ आ गए। राहुल भैया को गेम खेलना है, तो राहुल भैया पूछ रहे हैं गेम वाला हमारा होता है कि नहीं होता है। और मोहित भाई जो है हमारी भाभी जी से बातों में लगे हुए हैं, फुर्सत नहीं है बिल्कुल नहीं। ठीक है, राजू भाई को क्रिसमस का सामान मिल गया इसलिए राजू भाई क्रिसमस सेलिब्रेशन देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए नीचे गाने वाने चल रहे हैं और बढ़िया तरीके से। अभी राहुल भाई का गाना गाने का मन है, मतलब सॉरी खेल खेलने का मन है, तो वहाँ चलते हैं। वहाँ पे देखो जो है, अब हमने सारे मतलब जो क्रिसमस वाला प्रोग्राम था वो भी खत्म हो गया। पीछे मोहित भाई हमारे आ रहे थे, मैं रियर कैमरा कर रहा था इसलिए मैंने फ्रेंड करके मोहित भाई की शक्ल दिखा दी। ठीक है, अभी राहुल भाई यहाँ फिर कुछ खरीदने वाले हैं, पता नहीं क्या खरीदेंगे, तो चले देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम घूमने घामने के बाद नीचे आ गए जहाँ पे क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा था, और यहाँ पे देखो हम लोगों ने थोड़ा फोटो शूट भी कर लिया, ये लोग भी सब लोग यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं, तो हमने भी यहाँ फोटो शूट कर लिया है, और थोड़ा और कर लेते हैं। राहुल भाई तैयार हो गए फोटो शूट के लिए, फिर चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। आ गए हम नीचे फिर से अपनी पार्किंग पे, देखो भाई ये रही इसकी पार्किंग वॉकिंग मॉल की, ये एग्जिट से हमने अब जाते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और देखते हैं कि अभी जाम लगा या नहीं लगा। सारा घूमने घामने के बाद हल्द्वानी हम लोग आ गए अभी घर, काफी मजा आया। और राजू भाई बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। राजू भाई कैसा लगा आपको यहाँ? बढ़िया लगा, सही लगा, भाई के साथ घूम के मजा आया, बहुत मजा आया था। बाकी अभी मजा और भी आएगा क्योंकि हम जाने वाले कहीं और भी, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। राहुल भाई हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अच्छा ना, मजा आया, मजा आया। मोहित भाई और दिखा दे सकल लड़की, ये हमारी लड़की है। थक गया मैं जाम से, थक गया। तो अभी यहाँ लाल को आए हम, लगा जाम। और ये देखो कुछ लोग होते हैं इनको बहुत जल्दी होती है, तो भाई सोच रहा है कि मैं 2 मिनट कहीं वहाँ से निकाल के जल्दी चले जाऊंगा, इसलिए भाई बैक कर रहा है गाड़ी। हम यहीं पे इंतजार करेंगे जब तक ट्रेन जाएगी नहीं, हम घर जाएंगे यहीं पे रुके रहेंगे। ठीक है, तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके घर, और हो चुकी है रात, और हमारे आते आते दरवाजे भी हो चुके हैं बंद, देख सकते हैं आप। अभी निक्का को मैंने फ़ोन किया, निक्का भी आने वाली है, तो देखते हैं कि निक्का मान ले कितनी देर में गेट खोलती है। अभी भी नहीं आई है भाई,
हम 15 मिनट से यहाँ खड़े हैं और अभी तक हमारे लिए कोई गेट नहीं खोल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें आते आते मतलब 10 बज गया रात का। भाई गए इतने लेट, तो इतना जाम लगा, तो लेट तो होना स्वाभाविक है। फाइनली निक्का आ गई है, देखो निक्का का मुंह दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा। तो गाइस ये देखो निक्का आ गई है और निक्का का मुंह देखो, वैसे देखो गुस्सा आ रहा है लेकिन हंसते हुए हमारा स्वागत कर रही है, क्योंकि अभी हमने कैमरा ऑन किया इसीलिए कि इसका मुंह अच्छा रहे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए ये देखो डंडा लेके तैयार है। तो गाइस चलते मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आजू बाय 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 बाय, मिलते हैं।